हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लिख दो आंगन में आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आप लोग को लेकर जा रहा हूँ गोंदिया सिटी दिखाने के लिए। गोंदिया वैसे महाराष्ट्र में पड़ता है और हमारे भिलाई से 150 से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं गया हूँ इसके पहले माँ बम्लेश्वरी माता मंदिर, उसी वाले रोड से मैं आप लोग को लेकर जाने वाला हूँ। आगे में आपको कचारगढ़ गुफा है और हजरा फॉल है, उन्हीं के जस्ट आगे में आपका गोंदिया पड़ता है। अब ये देखना है कि वहां से कितना दूर पड़ता है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को अलग अलग जगह के बारे में बिल्कुल बतलाने वाला हूँ। अब इस टाइम मुझे गोंदिया जाने का मौका मिला है तो गोंदिया में देखते हैं। वैसे मैं सर्च मार रहा हूँ कि दो तीन पॉइंट है वहां पे घूमने के लिए। तो सबसे पहले तो कचारगढ़ गुफा है, उसके बाद है आपका हजरा फॉल। अब जाना कहाँ पे होता है, सबसे पहले अब भैया के घर में ही जाऊंगा तो फिर वहां अपन डिसाइड करेंगे। पहले अगर दूर का एरिया कवर करेंगे फिर वापसी में हम ये दोनों जगह कवर करेंगे। तो चलिए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। यह सेक्टर 6 का मस्जिद है, बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पर मैं एक या दो बार बस आया हूँ, एक दोस्त का शादी हुआ था तो ज़्यादा तो नहीं आया हूँ। और यह है सेक्टर 6 का मार्केट एरिया है, रोड के किनारे पर लगता है कपड़े की शॉप। यहाँ पे आपको कम रेट में मिल जाएगा। आपका बजट अगर 200, 250, 300, 500 तक है तो आप यहाँ पे खरीद सकते हो। ये भी खूबसूरत सा लग रहा है। आज मैं आप लोग को लेकर जा रहा हूँ गोंदिया महाराष्ट्र। भिलाई से गोंदिया की जो डिस्टेंस है 150 से 160 किलोमीटर है। सीधे सीधे ये सेक्टर 5 के लिए जाएगा तो मैं यहाँ से लेने वाला हूँ साईं मंदिर होते हुए राइट लेने वाला हूँ। सामने में ही है साईं मंदिर। साईं मंदिर मैं कई बार गया हूँ, यहाँ पे गुरुवार को और शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं जहाँ से आप फूल अगरबत्ती खरीद सकते हो। यह सेक्टर 6 का पूरा मार्केट है, ए मार्केट बी मार्केट इसी को कहा जाता है, लेफ्ट साइड में जो आप लोग को दिखाई दे रहा है। सामने जो दिखाई दे रहा है ग्लोब चौक है, इस जगह को रेल चौक भी कहा जाता है। पहले इस जगह को ग्लोब चौक ही हम बोलते थे लेकिन अभी इसको चेंज कर दिया गया है। ये सेक्टर 10 के एरिया में भी आता है और पहले यहाँ पे मैं कोचिंग के लिए आता था राजहंस करियर पॉइंट। आप लोग को अगर पता ही होगा, जितने भी हमारे भिलाई में रहने वाले सबको पता होगा, ध्रुव के लोगों को भी पता होगा, रायपुर वाले को भी पता होगा। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर लिखा भी है रेल चौक करके। यहाँ से राइट लेने वाला हूँ मैं, तो ले लिया मैं राइट सामने से। तो आज मैं आप लोग को नेहरू नगर होते हुए लेकर जा रहा हूँ ब्रिज होते हुए। ये है नेहरू नगर का ब्रिज। अब प्लान ये हो रहा है कि हम लोग ऊपर न जाके राइट लेने वाले हैं, अंडर ब्रिज होते हुए जाएंगे। तो ये वाला जो सामने आप लोग को दिखाई दे रहा है ये है अंडर ब्रिज का एरिया। यहाँ पर मैं ज़्यादातर नहीं आता हूँ, मैं ऊपर से ही चला जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये मेरा वह दूसरे या तीसरा बार है, बहुत कम आता हूँ इस रास्ते में अगर आना होता है तो। और इसको बना के बहुत अच्छा कर दिया गया है। बारिश में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि पानी भरा रहता है, जैसे कि अभी थोड़ा थोड़ा भरा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है ये शेड लगा के, पानी से भी बचाव हो जाएगा। और ये जो सामने आप लोग को दिखाई दे रहा है ये होंडा का शोरूम है और इन्हीं के जस्ट सामने में है आपका चंदूलाल हॉस्पिटल है। ये सामने चौक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दो रास्ते मिलेंगे, एक दुर्गा सिटी के लिए और एक हाईवे जो नागपुर के लिए जाएगा। ये खूबसूरत सा लग रहा है। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो मैं राइट साइड में ही लेकर जाने वाला हूँ। मौसम आज बिल्कुल चेंज हो गया है। अच्छा, ये है शंकर भगवान जी का मूर्ति बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। रास्ता ना बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। यहाँ से आप नांदगांव, नांदगांव से डोंगरगढ़ भी जा सकते हो, नागपुर भी जा सकते हो उसी रोड से। नेहरू नगर का एरिया है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन चुके हैं जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। एक समय था पता है यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ था, धीरे धीरे सब जगह डेवलप होते ही जा रहा है। सामने में है आपका डी मार्ट नेहरू नगर का। हमारे भिलाई में दो जगह ऐसा डी मार्ट है, एक अभी अभी खुला हुआ है, एक 2 साल हुआ है लगभग, भिलाई 3 से आगे जस्ट चरोदा में।
एक खूबसूरत सा डीमार्ट बना हुआ है। हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा के सामने में और ये हमारा फर्स्ट टोल प्लाजा है। वैसे तो बाइक का चार्ज नहीं लगता है, अगर आप कार बस या किसी अन्य से आते हैं तो आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा, बाइक का नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पहले देना पड़ता था 15 रुपया, मैं दिया हूँ एक दो बार। ये मंदिर भाई खूबसूरत से लगा, जब भी मैं आता हूँ ना तो इसको शूट करके ही जाता हूँ, बहुत ही प्यारा लगता है। इसका मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ अभी तक, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं बनाऊँगा। सामने में है ये शिवनाथ नदी है, बहुत ही खूबसूरत है। पानी वैसे भरा हुआ है लेकिन थोड़ा कम ही है। जब फ्लो अगर होगा ना तो आगे आपको शिवनाथ नदी दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर पुल बना हुआ है, पानी ओवरफ्लो होके नीचे की ओर गिरता है और बारिश में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन इस बार कोई ख़ास बारिश तो नहीं हुआ है, फिर भी गिरा है, अच्छा लग रहा है। ये आपका अंजोरा वाला रास्ता है, तो इस रास्ते से भी आप आ सकते हो अगर आप आना चाहते हो तो। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक दुर्गा सिटी से होते हुए अंजोरा और एक हाईवे पकड़ के यहाँ तक। आज मैं नांदगांव होते हुए आप लोग को लेके जाऊँगा, फिर नांदगांव से होते हुए तुमड़ी बोर्ड के आगे डोंगरगढ़। क्योंकि मैं ये जगह आ चुका हूँ इसलिए मुझे रोड पता ही है, कई लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोग को बतला देता हूँ। और ये है सोमनी गांव भी अच्छा है, जस्ट नांदगांव के पहले, वही 8 से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है। यहाँ पर एक मेरे दोस्त का ससुराल भी है, यहाँ पर मैं कई बार आ गया हूँ वैसे तो। बस यही अंदर थोड़ा सा रोड के ही बगल में ही है मेरे दोस्त का ससुराल। नांदगांव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, दिखलाते हैं नांदगांव कैसा है आप लोग को, ये खूबसूरत से बना हुआ है। तो ये सेकंड टोल प्लाजा पड़ रहा है हम लोग को, चलिए आप लोग को मिलते हैं नांदगांव में, नांदगांव पहुँचने ही वाले हम लोग। तो नांदगांव हम पहुंचने ही वाले हैं, हमको यहां से मंदिर दिखाई दे रहा है और ये खूबसूरत सा मंदिर है। आप लोग बता सकते हो कि कौन सा मंदिर है, कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो मुझे ये मंदिर पता है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, यहां का भी ब्लॉग बनाने वाला हूं मौका मिलेगा तो, प्यारा सा लग रहा है। आप लोग बताइए कौन सा मंदिर है, वैसे तो मुझे पता है लेकिन आप लोग बताइए कमेंट करके। और ये भाई एक और मंदिर बना हुआ है, ये अभी हाल ही में बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। इसका भी ब्लॉग बनाऊंगा मैं। हम नांदगांव के अंतर्गत पहुंच चुके हैं, ये ऊपर वाला ब्रिज है तो हम लोग नीचे ले लिए हैं क्योंकि सोच रहे हैं कि यहीं पे नाश्ता वगैरह कर लेते हैं फिर आगे निकलेंगे। सुबह से हम लोग निकले हुए हैं तो नाश्ता नहीं किए हैं। और ये लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है, गुरुद्वारा बना हुआ है, नेहरू नगर में भी दिखलाया था। चलो हम लोग का नाश्ता वैसे हो गया है, अब आगे निकलते हैं, हमको काफ़ी दूर जाना है। नांदगांव सिटी का भी ब्लॉग मैं नहीं बनाया हूँ, अगर नांदगांव के लोग अगर देख रहे हो तो आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे क्या क्या है। वैसे तो मुझे 2-3 जगह पता ही है, यहाँ पे जो सामने आपको मंदिर दिखाई दिया है उसका भी ब्लॉग बनाऊँगा। और यहाँ पे है माँ पाताल भैरवी का मंदिर है, उसका भी ब्लॉग बनाने वाला हूँ। मुंबई यहाँ से है 1003, नागपुर 197 और डोंगरगढ़ है 20 किलोमीटर। तो सामने में है तुमड़ी बोर्ड, हम लोग पहुंच चुके हैं, जस्ट सामने वाला है तुमड़ी बोर्ड लेफ्ट साइड में, यहां पर बोर्ड भी मेंशन किया हुआ है, ये देखिए तुमड़ी बोर्ड करके। तो हम लोग सीधे ना जाके
तुमड़ी पर होते हुए लेफ्ट लेंगे यहाँ से, ये देखो यहाँ से हमको लेफ्ट लेना पड़ेगा, फिर आगे जाकर राइट, ये तुमड़ी बोर्ड है। जब मैं यहाँ पे आया करता था, मतलब डोंगरगढ़ माँ बम्लेश्वरी के लिए, तो तुमड़ी बोर्ड में ज़्यादातर रुकना होता था, नाश्ता वगैरह करते थे फिर आगे निकलते थे। यहाँ से राइट लेना है, ये सामने चौक है, ये देखो, फिर आगे से लेफ्ट, अभी देखो धूप निकल गया है, अब गर्मी लगना स्टार्ट हो गया है। आज जो मौसम है ना, सच में धूप छांव हो ही रहा है सुबह से, कभी भी बारिश हो जाता है, मौसम बना तुरंत बारिश। यहाँ से राइट लेंगे, आप सीधे नागपुर के लिए जा सकते हो। यहाँ से है डोंगरगढ़ आपका 23 किलोमीटर, खैरागढ़ है 66 किलोमीटर और बोरतलाव है आपका 38 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। बोरतलाव जो एरिया आता है ना, महाराष्ट्र में ही आ जाता है। आगे में बहुत सारे पिकनिक स्पॉट है, उसको भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। वैसे प्लानिंग ये हुआ है कि सबसे पहले अपन गोंदिया चलेंगे, गोंदिया से फिर रिटर्न होते हुए आपको आसपास का एरिया भी दिखलाने वाले हैं। ये गांव हम पहुंच चुके हैं और जस्ट सामने में है माँ बम्लेश्वरी का, माता का मंदिर है, हम कुछ ही देर में पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ से है माँ बम्लेश्वरी मंदिर, 6 किलोमीटर है डोंगरगढ़, 8 किलोमीटर राइट साइड में दिखला रहा है माँ बम्लेश्वरी मंदिर, सीधे सीधे दिखला रहा है। वैसे अगर आप जाना चाहते हो माँ बम्लेश्वरी मंदिर, राइट साइड में भी आप जा सकते हो। तो हमको यहाँ से जाना है सीधे सीधे, और ये जो जगह है ना, सच में बहुत ही प्यारा है। चलिए आप लोग को लेकर चलता हूँ मंदिर के पास में। वैसे तो मैं पिछले ब्लॉग में आप लोग को मैं दिखलाया हूँ माँ बम्लेश्वरी माता का मंदिर, अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो आप देख लीजिएगा। यहाँ से आप जा सकते हो बुद्ध टेम्पल के लिए, उसका भी ब्लॉग मैं बनाया हूँ। तो ये हम पहुंचने ही वाले हैं माँ बम्लेश्वरी माता मंदिर के पास में। ये है माँ बम्लेश्वरी माता मंदिर, सामने से आप लोग को दिखाने वाला हूँ। और ये डोंगरगढ़ है, डोंगरगढ़ का भी ब्लॉग मैं नहीं बनाया हूँ अभी तक, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो बिल्कुल मैं बनाने वाला हूँ। आज देखते हैं अगर वापसी में, अगर ये है भाई माँ बम्लेश्वरी माता मंदिर, ये प्रवेश द्वार है। पार्किंग का जो स्थल है यहाँ पर राइट साइड में है, और यहाँ पे इंस्टॉल वगैरह आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप नारियल अगरबत्ती जो भी ख़रीदना चाहते हो, अंदर में भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब जब मैं यहाँ पे आया हुआ था तो मैं अंदर में लिया हुआ था। यहाँ पे रोपवे भी चल रहा है, देखो ये रोपवे का लगा हुआ है, तो यहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हो। डोंगरगढ़ मैं पूरा अभी तक नहीं घूमा हूँ, सिर्फ आया हूँ तो सिर्फ माता का दर्शन करने के लिए यहाँ तक आया हूँ, उसके बाद मैं पूरा एरिया कभी नहीं घूमा हूँ।
अब यहाँ से मुझे राइड लेना है, सीधे सीधे जाएंगे तो भी जा सकते हैं, तो अंडरब्रिज होते हुए जा रहे हैं। और ये अंडरब्रिज पहले नहीं बना हुआ था लेकिन आज के समय में बन गया है, बनाकर अच्छा कर दिया है। हम लोग जाते थे ना, आगे गए हैं एक दो बार, रेलवे क्रॉसिंग पार करके हम लोग जाते थे। और ये सच में बना दिया ना तो अच्छा लग रहा है। और ये है आपका छोटे माँ बम्बलेश्वरी माता मंदिर, सामने में ही है। और ये पूरा डोंगरगढ़ का एरिया है। आगे से एक रास्ता है, वहाँ से हम लोग को लेना पड़ेगा लेफ्ट की ओर, तो ये चौक है, यहीं से लेना है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में है रेलवे स्टेशन है, तो मैं लेफ्ट ले लिया हूँ। सामने में मंदिर नज़र आ रहा है, अच्छा लगता है, ये हनुमान जी के मंदिर है, हनुमान ही मंदिर है हनुमान जी के। यहाँ से आप महाराष्ट्र भी जा सकते हो गोंदिया होते हुए, नागपुर शायद जाता होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब गोंदिया इसलिए हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग गए हुए थे कचाड़गढ़ गुफा और हजरा फॉल, तो हजरा फॉल और कचाड़गढ़ का वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ वैसे, लेकिन शायद इसके पहले जब मैं गया हुआ था तो वहाँ पर कोई ख़ास पानी नहीं था। मैं एक ही बार बस गया हूँ हजरा फॉल, वैसे दो बार चला गया हूँ, लेकिन वीडियो बनाने के नाम से मैं फर्स्ट टाइम गया हुआ था। अब ये सेकंड टाइम भी जाने वाला हूँ। आगे से हम लोग को लेना है लेफ्ट, तो सामने भीड़ था इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पाया। और देखो रोड अभी भी नहीं बना हुआ है, पिछले टाइम भी जब मैं यहाँ पे आया हुआ था ना तो रोड नहीं बना था, अब फिलहाल तो थोड़ा थोड़ा बन चुका है, पहले बहुत ज़्यादा जर्जर था। देखते हैं कहाँ तक ऐसा रोड हमको ख़राब मिलने वाला है। और ऐसी रहा तो फिर पता नहीं कितना टाइम हम लोग पहुँचने वाले हैं। अब गोंदिया जाना है, गोंदिया में वैसे क्या क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमको तो एक दो पॉइंट ही पता है। यहाँ से आप जा सकते हो बोर तलाव, अच्छा बोर तलाव है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। हजरा फॉल मैं जाने वाला हूँ, अगर वापसी में अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाने वाला हूँ। पास में ही है कचाड़गढ़ गुफा, तो उसका भी वीडियो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। ये खूबसूरत सा मंदिर बना हुआ है और सामने में है रेस्टोरेंट बना हुआ है। हरे भरे पेड़ पौधे ही नज़र आ रहे हैं, और जो आज का वेदर है ना सच में मतलब धूप और छांव ज़्यादा ही हो रहा है। महिलाएं कुछ लेकर जा रही है, अच्छा अभी जो समय जो चल रहा है ना खेती का जब समय चल रहा है, अभी सबका लगे हुए हैं खेतों में धान, और जैसे ही हो जाएगा कंप्लीट तो ये नवरात्रि के बाद कटाई चालू हो जाता है। गुड़िया लोग जा रही स्कूल, अच्छा स्कूल अभी स्टार्ट हो चुका है, बोल तो रहा था कि स्कूल अभी फिर बंद हो गया करके, पता नहीं इस साइड चालू होगा, अब इस साइड के एरिया में मुझे कोई आइडिया नहीं है। गुड़िया लोग जा रही है, रोड वैसे बन गया है, पिछले टाइम जब मैं आया हुआ था ना रोड बिल्कुल नहीं बना हुआ था, ट्रैक्टर अच्छा बन गया है। आप लोग आते हो ना तो बिल्कुल इस रास्ते से आप आ सकते हो, और रोड बहुत ही अच्छा बन चुका है। देखते हैं हजरा फॉल तक बना है कि नहीं बना है। मैं गोंदिया कभी गया नहीं हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं गोंदिया जा रहा हूँ। ये कोई गांव है आपके, कौन सा गांव है मुझे कोई आइडिया नहीं है, बाकी बहुत ही प्यारा लग रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा ख़राब मिल रहा है रोड, बाकी कम ही है। सामने में बोर्ड नज़र आ रहा है,
ये साले कशा लिखा हुआ है 19 किलोमीटर, दर्रे कशा है 9 किलोमीटर। अच्छा, दर्रे कशा के आसपास में ही पड़ता है आपका कचारगढ़ भी पड़ता है और हजरा फॉल भी पड़ता है। कचारगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है हजरा फॉल। तो ये है दर्रे कशा गाँव, यहाँ पर स्टेशन भी है दर्रे कशा, रेलवे स्टेशन है, आपको मिल जाएगा। कचारगढ़ है 1 किलोमीटर, आम गाँव है 24 किलोमीटर, गोंदिया यहाँ से 56 किलोमीटर है। मान के चलो यहाँ से लगभग वही 1 घंटे की रास्ते, अगर रास्ता सही रहा तो फिर 1 घंटा, नहीं रहा तो फिर 1.5 घंटा आराम से लगेगा। तो यहाँ से आप जा सकते हो कचारगढ़ के लिए, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, बोर्ड पर मेंशन किया हुआ था। गुफा बहुत ही खतरनाक है, मैं एक ही बार बस गया हूँ वहाँ पर। घाट प्रारंभ सावधान, अब देखते हैं घाट कितना, वैसे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं यहाँ पे आया हूँ, छोटा सा घाट है और घाट के जस्ट बाद में ही है आपका हजरा फॉल। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं हजरा फॉल तक बिल्कुल आया हूं, तो रोड मुझे पता है। अब आगे तो मुझे नहीं पता है कि क्या क्या पड़ने वाला है। ज़्यादा बड़ा घाट नहीं है और ये बोलबम वाले बहुत ही शानदार लग रहा है। और ये वाला जो रास्ता है ना, आपको महाराष्ट्र जबलपुर शायद लेके जाता होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और यार ये तो गाड़ी देखो ख़राब पड़ी हुई है, यहाँ पर किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है ये देखो, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है। और बहुत ही ज़्यादा घने जंगल है, घने जंगल को बीचों बीच हम लोग गुजर रहे हैं। और ये जो इस साइड बोलते हैं, मतलब हिरन वगैरह तो घूमते ही हैं आसपास में, ये देखो बोर्ड पर मेंशन भी किया हुआ है। ये हजरा फॉल, तो आप लोग आते हो ना तो दो जगह कवर कर सकते हो, एक कचारगढ़ गुफा और हजरा फॉल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोंदिया के लिए, वापसी में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर पानी है कि नहीं है। पिछले टाइम जब मैं आया था यहाँ पर लगभग मेरे को लगभग हो गया 2 साल के आसपास हो गया, 2019 में आया हुआ था, तो उस टाइम बहुत कम पानी था। और इस बार भी पानी नहीं होगा ऐसा लगता है मुझे, लेकिन देखते हैं जाने के बाद ही पता चलेगा कि कितना पानी भरा हुआ है। रोड तो बन गया है भाई, पहले नहीं बना हुआ था, यहाँ तक पूरा ख़राब था। कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं जा रहा हूँ गोंदिया, गोंदिया रेलवे स्टेशन भी है और आगे में बहुत सारे आपको स्टेशन मिलेगा। ये यहाँ पर जंगल में बने हुए छोटे छोटे घर भी बना हुआ है, पूरा बस्ती है। गोंदिया तक तो आपको बहुत सारे गांव देखने को मिलेगा, देखते हैं कौन कौन से गाँव हैं। ये देखो ये गांव, कौन सा गांव है यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन नहीं किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। रोड के किनारे पे ही आपको जगह जगह पे आपको दुकान देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर, और बस्ती तो आपका अंदर में ही है। बहुत प्यारा सा लग रहा है, चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पर सामने में कुछ काम चल रहा है ट्रक में, और यहाँ पर लिखा हुआ है साले कशा रोड आम गांव। सामने में आम गांव है, देखते हैं आम गांव कैसा है। तो ये है आपका आम गांव, स्टार्ट हो गया है और बड़ा सा सिटी जैसा लग रहा है। देखते हैं अगर सिटी अगर अच्छा रहा बड़ा सा तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये महाराष्ट्र में आता है। और वैसे तो बहुत अच्छा अच्छा जगह लग रहा है, यहाँ पे पेट्रोल पंप वगैरह भी दिखाई दे रहा है, बड़ा सा सिटी लगता है। ये तो मेन रोड है, अब अंदर जाके देखना पड़ेगा। अगर अभी नहीं दिखलाऊंगा तो मैं गोंदिया से रिटर्न आऊँगा ना तो आप लोग को ज़रूर दिखाने वाला हूँ। ये देखो भाई अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है, श्रृंगार फर्नीचर। आम गांव में क्या क्या है देखने के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। महाराष्ट्र में मैं फर्स्ट टाइम आया हूं तो महाराष्ट्र के बारे में मतलब मुझे पता नहीं है, और आसपास में जो भी होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। और यहां आम गांव में क्या फेमस है वो भी कमेंट करिएगा। ये मंदिर मातोश्री करके लिखा हुआ है, ये राइट साइड में भी मंदिर है, खूबसूरत सा लग रहा है। ये कौन सा मंदिर है? अच्छा ये शीतला माता मंदिर है। बड़ा सा सिटी है और इसका भी वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ बहुत जल्द, तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि अभी तो हम जा रहे हैं गोंदिया, गोंदिया से आने के बाद ही हम इसका वीडियो डालने वाले हैं। अच्छा खासा बड़ा है सिटी, दुल्हन साड़ी। अच्छा खासा बड़ा मार्केट है भाई, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पर लिखा है आराधना, चौड़ी सी सड़क है, बढ़िया बना दिया गया है सड़क को, यहाँ से हमको राइट लेना पड़ेगा। तो ये चौक को याद रखिएगा, तो यहाँ से हमको राइट लेना है, सीधे सीधे शायद रेलवे स्टेशन जाता है, वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ था। तो इस साइड से मैं आया हूँ, अब इस साइड में लेके जा रहा हूँ आगे के साइड में। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है आपका गोंदिया, बहुत जल्द हम पहुँचने ही वाले हैं। ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। आम गांव का अगर वीडियो देखना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे कोई जानकारी नहीं है। काफी बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। ये यहाँ का पेट्रोल पंप है। तो यहाँ पे तो दो रास्ते दिखाई दे रहा है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, सीधे सीधे भी दिखाई दे रहा है, पूछते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग तो पूछ लिए हैं, द्रिवेदी भाई पूछा तो ये अब आगे वाला पता नहीं, पीछे साइड से हम लोग आए हुए हैं और यहाँ से जाना है हम लोग को सीधा। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग वही 2-3 किलोमीटर के आसपास में है। यहाँ पे लगी हुई है भीड़। तो हम पहुंच चुके हैं गोंदिया सिटी में, और ये हमारा फर्स्ट टाइम है
अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। मौसम ऐसे साफ है, अगर साफ रहा तो पूरा जगह कवर करने की पूरा कोशिश करने ही वाले हैं। और ये देखो भाई, होंडा का शोरूम है लगता है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और यहाँ पे है गाड़ी तो रखी हुई है बाहर में, बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है यहाँ पर। तो गोंदिया सिटी देखते हैं कैसा है, आप लोग को पूरा गोंदिया दिखाने वाला हूँ। अगर मार्केट लगा होगा तो मार्केट भी आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और ये तो आज का जर्नी है हमारा भिलाई से गोंदिया तक का, आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सामने देखो बड़ी सी बिल्डिंग बना हुआ है, इनका काम अभी भी चल रहा है लगता है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम जा रहे हैं सीधे सीधे, ये देखो यहाँ पर भी बना हुआ है। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।